हेलो बच्चों, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स अबाउट द यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स. ठीक है ना? सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें यूनियन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमें यूनियन फाइंड आउट करना है बच्चों. ठीक है? सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक्स सेट दे के रखा है. एक्स सेट एक्स दिया है, उसमें 1, 3 एंड 5 सेट ए में, एक्स में, और वाई में 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3. ठीक है? सो इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है. ठीक है? सो कैसे हम निकालते हैं यूनियन? यूनियन क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट एक्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट वाई, एंड मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें एक बार ही लेने पड़ते हैं वहाँ पे. ठीक है? सो एक्स यूनियन वाई, सो एक्स यूनियन वाई यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, देन 3, मतलब इसके फर्स्ट हम पूरे एलिमेंट्स ले लेंगे यहाँ पे, 1, 3 एंड 5. देन यहाँ पे 1 रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये 1 वाला रिपीट यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ गया अभी. देन ये 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 लेना पड़ेगा, और 3 भी यहाँ पे आ गया. ठीक है? 3 भी यहाँ पे आ गया. ठीक है? सो दिस विल बी द यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स. ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो नंबर 8 है. ठीक है ना? दिस इज आवर 8th वीडियो. यस. ठीक है? दिस इज आवर 8th वीडियो. सो नाउ वी विल हैव सेकेंड क्वेश्चन. वी विल हैव सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है? सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए सेट में, ए सेट दिया है. एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है ना? ये ए सेट देके रखा है. देन बी सेट क्या दिया है यहाँ पे, बी सेट दिया है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर लेस देन 6. सो नेचुरल नंबर लेस देन 6. ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके रोस्टर फॉर्म हमें पहले निकालने पड़ेंगे. ठीक है? सो ए सेट में इट्स अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है ना? सो मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है. तो पहला मल्टीपल कौन सा है, 3 है. देन 6 आएगा, देन 9 आएगा. ठीक है? देन 12. ठीक है? 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट. ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दी है, मतलब ये इन्फिनिटी तक रहेगा, ये इन्फिनिटी तक रहेगा. देन बी सेट क्या है बच्चों, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो यहाँ पे नेचुरल नंबर चाहिए और लेस देन 6 चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है? तो ये हो गया बी सेट. अब दोनों का अब हमें यूनियन निकालना है, दोनों का अब यूनियन निकालना है. तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी. ठीक है? ए यूनियन बी यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो रहेगा. ठीक है ना? 1, 2, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 भी रहेगा. ठीक है? देन यहाँ पे 3 ऑलरेडी है. ठीक है? 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया. देन 6, 5 के बाद 6 आएगा, फिर बाद में 9 आएगा यहाँ पे. ठीक है? 9 आएंगे, फिर 12 एंड देन सो ऑन, 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट. तो ये आएगा यूनियन ऑफ दिस ए यूनियन बी. ठीक है ना? मतलब यहाँ पे बी के भी एलिमेंट आए गए, ए के भी आए गए पूरे एलिमेंट्स. तो बी के एलिमेंट्स तो यहाँ पे पूरे आ गए, 1, 2, 3, 4, 5. और जो बी के एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स में 3 रिपीट हो रहा है, तो एक बार ही ले लिया हमने. 6 यहाँ पे नहीं है, तो 6 से जो भी ए का जो सेट है वो कंटिन्यू होता है यहाँ पे. ठीक है? सो ये हो गया ए यूनियन बी यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज ए इज अ सेट ऑफ
सॉरी आप, हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन था, हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गया, सेकंड क्वेश्चन स्किप हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम पहले लेंगे यहाँ पे। सो ए इज अ सेट ऑफ ए आई ओ यू, ठीक है, ए आई ओ यू, ए सेट में ए आई ओ यू है और बी सेट में ए बी और सी है बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन हमें निकालना है, इनका यूनियन निकालना है, सॉरी, इनका यूनियन हमें निकालना है। तो ए के तो पूरे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ए आई ओ एंड यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, और जो बी के, ए तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बी और सी भी आएगा, ठीक है, सी भी यहाँ पे आएगा। तो ए यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इसलिए कॉमन एलिमेंट्स तो हमें एक ही बार लेने हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनियन में। तो ये हो गया ए यूनियन बी यहाँ पे, ठीक है। तो थ्री क्वेश्चंस हो गए अभी, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स नेचुरल नंबर है एंड वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू सिक्स है। देन बी सेट क्या है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स है एंड एंड सिक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, ठीक है ना, सिक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दोनों सेट्स को हमें पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो ए इज अ सेट ऑफ, सो नेचुरल नंबर्स है और क्या है, वन और सिक्स के बीच में के है, सो यहाँ पे वन तो आएगा नहीं, वन तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वन ग्रेटर देन वन है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन वन है, हमें इंटरवल्स में देखा है हमने, वन यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे टू से आएगा एलिमेंट्स, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा और सिक्स आएगा, ठीक है, सिक्स आएगा। तो ये ए सेट होगा। देन बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी सेट सिक्स ग्रेटर देन सिक्स, तो यहाँ पे सेवन आएगा, एट नाइन आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे टेन नहीं आएगा क्योंकि टेन लेस देन टेन है, लेस देन टेन है इसलिए टेन नहीं आएगा, ठीक है ना, तो सेवन एट एंड नाइन यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। तो इनका अब क्या करना है, हमें यूनियन निकालना है, ठीक है, इनका यूनियन निकालना है। सो ए यूनियन बी इक्वल टू, सो यहाँ पे ए एलिमेंट्स के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे पहले, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देन बी एलिमेंट्स के पूरे एलिमेंट्स जो रिपीट कॉमन नहीं होगे, तो यहाँ पे कॉमन तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सेवन एट नाइन ये तीनों भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे ए यूनियन बी में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, सो व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, सो ए इज अ सेट ऑफ वन टू एंड थ्री, तो ए सेट में यहाँ पे वन टू थ्री है और बी सेट में फाइव, बी सेट फाइव है, मतलब एम्प्टी सेट है बी, ठीक है ना, बी सेट एम्प्टी सेट है, तो इनका हमें यूनियन निकालना है। सो ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी क्या आएगा, इनका वन टू थ्री एज इट इज आ जाएंगे, वन टू थ्री, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें तो बी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों, सो वन टू थ्री विल बी द ए यूनियन बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर वन अभी यहाँ पे खत्म होता है, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू ऑन नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर टू इज, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, देन बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, बी में ए कॉमा बी कॉमा सी इतने एलिमेंट्स है। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है क्या यहाँ पे बी का, ये यहाँ पे देखना है हमें, और क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर बाद में क्या पूछा है, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए
यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पहले तो देखना है कि ए सबसेट है क्या बी का, ए सबसेट है क्या बी का, तो ए के पूरे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या, तो एज इट इज हम ए और बी के एलिमेंट्स यहाँ पे ए और बी सेट लेंगे, ए सेट ए कॉमा बी और बी सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी के लिए क्या कंडीशन होती है, ए के सब पूरे एलिमेंट्स बी में चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ए इज बिलोंग्स टू ए सेट, ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी सेट, बी इज बिलोंग्स टू ए सेट, तो ये बी सेट बी क्या है, बिलोंग्स टू बी सेट भी है, बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी सेट, सो डियर फोर ए सेट क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे ए सेट क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, ए सेट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। और यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा, ए आएगा इसमें बी आएगा, देन यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना, ए आएगा बी आएगा, तो ए भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ सी आएगा, तो ए बी सी यहाँ पे ए यूनियन बी में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए ए इज सबसेट ऑफ बी, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी बताना है, व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे ए और बी दोनों दो सेट्स है, ठीक है ना, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सेट यहाँ पे क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है ना, दो सेट्स है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए सेट 2,4 लेंगे और बी सेट यहाँ पे 1,2,3,4 लेंगे, ठीक है ना, 1,2,3,4 बी सेट लेंगे, 1,2,3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कहना क्या है कि ये जो ए सेट है वो सबसेट है बी का, तो ये ए सेट यहाँ पे सबसेट तो है बी का, ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है ना, व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी अगर हमें इसका निकालना है तो ए यूनियन बी पहले हम निकालेंगे, तो इन दोनों सेट्स का ए यूनियन बी क्या आएगा, 1,2,3 एंड 4 आएगा, तो 1,2,3,4 क्या आ रहा है, बी सेट आ रहा है ना, 1,2,3,4 क्या आ रहा है, बी सेट मिल रहा है हमें, सो ए यूनियन बी क्या होगा, बी सेट होगा, ठीक है ना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी बी सेट, ठीक है ना, ए यूनियन बी विल बी बी सेट आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ए सेट में ये एलिमेंट्स है, बी सेट में ये एलिमेंट्स है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी सेट ही आएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, इसमें ए बी सेट में, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू 1,2,3 एंड 4, ठीक है ना, 1,2,3,4 एंड बी सेट दिया है,
बी सेट में 3, 4, 5, 6 ठीक है। सी सेट दिया है, सी सेट में 5, 6, 7 एंड 8, और यहाँ पे डी सेट है, डी सेट में 7, 8, 9 एंड 10 ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है इसमें ठीक है। तो उन्होंने कुछ फाइंड करने के लिए दिया है हमें ठीक है, देन फाइंड फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी ठीक है। ये सेट देखे रखे हैं और उन्होंने बताया है कि फाइंड, उन्होंने पूछा है फाइंड ए यूनियन बी, देन सेकंड क्या पूछा है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी पूछा है ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे बच्चों ठीक है, एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे हम। सो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा, यहाँ पे जो ए यूनियन बी होगा वो क्या आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या रहेगा, यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, तो दोनों का यूनियन क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4 ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 पहले लिख देने हैं आपको, जो ए में पूरे एलिमेंट्स है वो लिख देने हैं, फिर बाद में ठीक है, फिर बाद में हमें बी सेट, जो बी सेट है उसके कॉमन एलिमेंट छोड़ के सब लेने हैं, 5 एंड 6 ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे कौन से आएंगे, 5 एंड 6, 3 एंड 4 रिपीट यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं होते ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन सी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तो आएगा इसमें ठीक है। देन 5, 6, 7, 8 भी आएगा, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है ए और सी में ठीक है ना, ए और सी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज बी यूनियन सी ठीक है ना, बी यूनियन सी निकालना है हमें ठीक है। सो व्हाट इज बी यूनियन सी, सो 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 5, 6 रिपीट है, सो 3, 4 और 5, 6 रिपीट है तो नहीं लेना है, फिर बाद के 7 और 8 आएगा इसमें ठीक है। सो बी यूनियन सी, तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स है, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों ठीक है। देन बी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन डी, सो ये आपको सॉल्व करना है, बी यूनियन डी यहाँ का आपको सॉल्व करना है, सो दिस इज योर होमवर्क ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सो तीनों भी सेट्स के यहाँ पे यूनियन निकालने हैं, तो तीनों सेट्स के यूनियन निकालते वक्त हम तीनों भी सेट्स यहाँ पे देखो ए बी और सी का यूनियन निकालना है, मतलब 1, 2, 3, 4 देन यहाँ पे 5, 6 आएगा और यहाँ पे 7, 8 आएगा, यहाँ से 7, 8 आएगा, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 तो ये रहेगा यूनियन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 मतलब ये ए का, ए के आ गए एलिमेंट्स, देन बी के एलिमेंट्स तो 3, 4 नहीं आएगा, सिर्फ 5, 6 आएगा और सी के 5, 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 5, 6 तो ये 7, 8 आएगा यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक है। देन सिक्स्थ, सिक्स्थ एग्जाम्पल इज ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है आपको, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ये आप भी निकाल सकते। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, सो यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी में आपको क्या दिख रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी में, सो बी 3, 4, 7, 8 और डी में 9, 3, 4, 5, 6 आएगा इसमें, 7, 8 आएगा इसमें से, और इसमें से 9, 10 आएगा ठीक है ना। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 सो 3, 4, 5, 6 और सी में का 7, 8 आएगा और डी में का 9, 10 आएगा ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे हम,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है? सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फाइव? क्वेश्चन नंबर फाइव इज फाइंड इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटर सेक्शन ऑफ इच पेयर ऑफ सेट्स, ऑफ इच पेयर ऑफ सेट्स, इच पेयर ऑफ सेट्स, इच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन, इच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन वन अबव, ठीक है ना, क्वेश्चन वन अबव। अब क्वेश्चन नंबर वन में जो भी पेयर दिए हैं हमें, उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों, ठीक है ना। इच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन अबव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन में कौन सी पेयर थी, उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। सो द क्वेश्चन नंबर वन इज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर वन था बच्चों। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? अभी ये जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन में हमें एक्स और वाई की एक पेयर थी, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इनका इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या मिलेगा? 135 और यहाँ पे 125, तो 1 और 1 कॉमन है और यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, तो 1, 3 रहेगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इसका इंटरसेक्शन रहेगा एक्स कॉमा एक्स इंटरसेक्शन वाई रहेगा, ठीक है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई रहेगा, ठीक है, 1 और 3, ठीक है। सेकेंड इसमें, इसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा बच्चों? सेकेंड इसमें ए और बी सेट का इंटरसेक्शन क्या रहेगा? ए और बी सेट का इंटरसेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो, वन कॉमन कौन सा एलिमेंट है, दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट है? ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट है, ठीक है, थ्री एलिमेंट कॉमन है, देन उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे थ्री आएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। ये सेकेंड, ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, बेसिकली ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, सेकेंड स्कीप हो गया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, तो ये हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है ना, ए। देन फोर्थ क्वेश्चन, में ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या कॉमन? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये फाइव आएगा यहाँ, ठीक है ना, फाइव। और फिफ्थ क्वेश्चन में इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे भी फाइव आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे भी क्या आएगा, फाइव आएगा। कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा ना, यहाँ पे एम्प्टी सेट है और यहाँ पे 1, 2, 3, दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो नाउ वी विल हैव, सो नाउ वी विल हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या देके रखा है? इफ ए इक्वल टू वन सेट, ठीक है ना, यहाँ पे ए सेट देके रखा है, तो हम क्या करेंगे अभी डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ए सेट देके रखा है, ठीक है, यहाँ पे ए सेट दिया है 3, 5, 7, 9 and 11, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स ए सेट में है, 3, 5, 7, 9, 11, और फिर बाद में बी सेट में, 7, 9, 11 and 13, ठीक है। देन व्हाट इज सी सेट? सी सेट इज 11, 13 and 15, ठीक है ना, 11, 13 and 15, एंड डी सेट, इज 15 and 17, 15 and 17, ठीक है, दिस इज डी सेट। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 7 कॉमन है,
देन नाइन कॉमन है, देन इलेवन कॉमन है, सेवन नाइन और इलेवन यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना। तो और फिर बाद में हमें क्या निकालना है सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, इलेवन है, थर्टीन है, ठीक है ना, इलेवन और थर्टीन आएगा यहाँ पे, यहाँ से इलेवन और थर्टीन आएगा, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें, ठीक है। तो मतलब ए सी और डी के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे हमें, ठीक है। यहाँ पे ए सेट में देखो, ए सेट में कोई एलिमेंट है ए सी और डी में कॉमन एलिमेंट दिख रहा है कोई आपको, यहाँ पे इलेवन है, यहाँ पे इलेवन है पर यहाँ पे नहीं है, फिफ्टीन यहाँ पे है, यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, सेवनटीन यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे फाइव आ जाएगा, ठीक है ना, फाइव आएगा, कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फाइव आता है, ठीक है, एम्प्टी सेट आता है। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दैट इज ए इज इंटरसेक्शन विथ, ए इंटरसेक्शन विथ डी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन विथ सी है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन विथ सी। सो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा हमें, सो ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ इलेवन आ रहा है कॉमन, ठीक है ना, इलेवन कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इलेवन आएगा, ठीक। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज बी इंटरसेक्शन डी, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब इसमें कैसे करना है आपको, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या करना है आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे हम, बी यूनियन सी, और फिर बाद में इसका जो सेट आएगा इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा ए के साथ, इसके रिजल्ट का, ठीक है। सो बी यूनियन सी क्या आएगा हमारे पास, बी यूनियन सी क्या मिलेगा हमें, सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, ठीक है, सेवन नाइन इलेवन थर्टीन तो पहले लिखने पड़ेगा हमें, सेवन नाइन इलेवन और थर्टीन, ठीक है, जो भी बी के एलिमेंट्स है वो लिखने पड़ेगा इस पूरे, फिर बाद में कॉमन एलिमेंट छोड़ के इलेवन और थर्टीन छोड़ के यहाँ पे फिफ्टीन लेना पड़ेगा। सो ये फिफ्टीन ले लिया हमने, सो ये हो गया बी यूनियन सी, ये हो गया बी यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी का जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये क्या आएगा, सो इस सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो कोई सेम एलिमेंट है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, सो सेवन नाइन इलेवन, सेवन नाइन इलेवन आ रहा है, ठीक है ना, सेवन नाइन इलेवन, सो यहाँ पे भी सेवन नाइन इलेवन है, थर्टीन फिफ्टीन यहाँ पे नहीं है ए में, सॉरी यहाँ पे थर्टीन फिफ्टीन नहीं है, तो ये सेवन नाइन इलेवन आएगा, ठीक है ना, यहाँ से, सो सेवन नाइन इलेवन विल बी द ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। सो आगे के जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के है, ठीक है ना। फाइव सिक्स सेवन क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी है, ये भी निकाल सकते हो आप। देन एट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले बी यूनियन डी निकालना है, फिर बाद में उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ठीक है, जैसे कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में किया था, ऊपर के एग्जाम्पल में किया था, यहाँ पे बी यूनियन सी पहले निकाल दिया हमने, फिर इस सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, वैसे यहाँ पे बी यूनियन डी निकालना है पहले आपको, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ आपको करना है, ठीक है। देन एट एग्जाम्पल इज ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे जो सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल था हमारा बी, देन सेवेंथ ले लिया हमने ए इंटरसेक्शन डी, देन एट्थ वाला एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ओके। सो अब नाइन्थ एग्जाम्पल, सो द नाइन्थ एग्जाम्पल इज ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे आप,
यहाँ पे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में बी इंटर यूनियन सी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों सेट्स का आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। जो भी दोनों सेट्स आएंगे आपके, ए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। सो आपके पास ऑलरेडी ए इंटरसेक्शन बी हमने सॉल्व किया है, दैट इज 7, 9, 11। सो दिस इज 7, 9 एंड 11, ठीक है। बी यूनियन सी, सो बी यूनियन सी हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ओके नहीं सॉल्व किया है, बी यूनियन सी भी सॉल्व किया है, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है ना, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है ना। सो बी यूनियन सी हमने निकाल दिया और ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ आपको इंटरसेक्शन करना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, सेम सेम एलिमेंट्स, दोनों में के सेम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, तो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 मतलब हमें एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे 10th एग्जाम्पल भी उसी टाइप का है, ए यूनियन डी पहले निकालो आप, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी यूनियन सी के साथ है, ठीक है ना, बी यूनियन सी के साथ है। तो आपको पहले ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा और उसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा सी, ठीक है ना, दोनों सेट्स का। आपका ए यूनियन डी यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे बी यूनियन सी आएगा, ठीक है ना, बी यूनियन सी तो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, इसमें भी यूज किया है बी यूनियन सी, और दोनों का फिर क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है जैसे हमने यहाँ पे ले लिया था। सो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7th, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देख रखा है, ए सेट देख रखा है, ठीक है ना, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन करेंगे। सो ए सेट क्या है, ए सेट इज एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बी सेट क्या है बच्चों, यहाँ पे बी सेट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। सो इवन नेचुरल नंबर्स क्या रहेगा, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दी है तो इसलिए डॉट 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 आएगा, ठीक है। देन सी सेट क्या है बच्चों, सी सेट, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। सो ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो दिस इज सेट सी, ठीक है, 1, 3, 5, 7, ओके, दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। देन डी, डी सेट क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर का सेट है ना, प्राइम नंबर मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो दीज आर द फोर सेट्स आर गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी हियर, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों के सेम एलिमेंट्स, दोनों के सेम एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सेम सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 रहेगा सेम, देन 4 रहेगा सेम, देन यहाँ पे पूरे नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ के जो यहाँ पे 6 भी आएगा, आगे 6 भी आएगा, देन 8 भी आएगा, तो 8 भी सेम रहेगा दोनों में, देन 10 भी रहेगा सेम। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है हमें, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर सेट मिल रहा है, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट मिल रहा है हमें, इवन नेचुरल नंबर, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी,
ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे सब पूरे इवन इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर्स कॉमन आ जाएंगे दोनों के, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए इंटरसेक्शन सी देखो यहाँ पे वन आएगा कॉमन, देन टू तो नहीं आएगा, थ्री आएगा, फोर नहीं आएगा, फाइव आएगा, सिक्स नहीं आएगा, सेवन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सेवन आएगा। तो ये कॉमन मतलब ऑड एलिमेंट्स, ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। दिस आर ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, यहाँ के ऑड नेचुरल नंबर्स कॉमन आएंगे इन दोनों के भी, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन हियर, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कोई है क्या सेम सेम? वन टू थ्री फोर, यहाँ पे वन टू थ्री कॉमन, थ्री देन फाइव आएगा, ठीक है ना, थ्री आएगा, फाइव आएगा। सो थ्री आएगा, फिर फाइव आएगा, एंड देन सेवन, देन इलेवन, ठीक है ना। तो ये थ्री फाइव सेवन इलेवन, देन यहाँ पे थर्टीन, मतलब जो प्राइम नंबर से आगे के प्राइम नंबर्स इसे कॉमन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो पूरे नंबर से नेचुरल नंबर्स का सेट है, और यहाँ पे जो सेट है ये इसमें इलेवन, देन इसके बाद थर्टीन आता है, ठीक है, मतलब ये थर्टीन के बाद फिर सेवनटीन आएगा, तो कॉमन डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो प्राइम नंबर्स हो गए वो क्या हो गए? प्राइम नंबर्स सेट आएगा इसमें, ठीक है ना, प्राइम नंबर का सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वेयर दिस एक्स इज ग्रेटर देन टू, ठीक है ना, एक्स इज ग्रेटर देन टू, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं आ रहा है ना, एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, ऑड प्राइम नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो अकेला इवन प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे एक्स इज ऑड प्राइम नंबर लिख सकते हैं हम, सब पूरे आगे के प्राइम नंबर्स ऑड है, सो ऑड प्राइम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑड प्राइम नंबर चलेगा। तो ये थर्ड वाला हो गया। देन फोर्थ वाला क्या है बच्चों? दैट इज बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी और सी का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट्स है? टू सिक्स, मतलब ये तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स है और ये ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी द एम्प्टी सेट, दिस विल बी एम्प्टी सेट, ठीक है। सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, देखो बी और डी में कोई सेम है क्या? टू सेम आ रहा है, देन फोर नहीं, सिक्स नहीं, यहाँ पे इवन पूरे इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे टू के बाद तो पूरे ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ टू कॉमन आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे सिर्फ टू कॉमन आएगा, ठीक है, दिस इज सिंगुलर सेट, ठीक है, दिस इज नल सेट एंड दिस इज सिंगुलर सेट। सिंगुलर सेट मतलब जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होता है, ठीक है। द सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? दैट इज सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना, और सी और डी का इंटरसेक्शन देखते हैं क्या है, सी और डी का इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे थ्री फाइव सेवन, ओके, सो यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है ना, थ्री आएगा, देन फाइव आएगा, देन सेवन आएगा, ठीक है ना, पूरे प्राइम नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, पूरे प्राइम नंबर्स यहाँ पे आएंगे थ्री के बाद के, ठीक है ना, थ्री फाइव यहाँ पे, इसके बाद इलेवन आएगा, ठीक है ना, इसके बाद इलेवन आएगा, सो इसके बाद इलेवन आएगा। तो ये ऑड प्राइम नंबर, ए ए और डी का इंटरसेक्शन हमारा ऑड प्राइम नंबर आया था, ठीक है, और सी और डी में क्या है? सी सी में ऑड नंबर्स है, सब ऑड नेचुरल नंबर्स है,
और इनका इंटरसेक्शन मतलब पूरे ये ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, ये पूरे ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, पूरे ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे, मतलब प्राइम नंबर्स तो आगे के ऑड ही होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस विल बी द सी इंटरसेक्शन डी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना, एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सेट आया था ए इंटरसेक्शन बी का, सेम सेट यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, ठीक है ना, सी और डी का सेम सेट मिल रहा है, सी और डी का इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना, 3 5 देन 7 देन इसके बाद जो भी ऑड प्राइम नंबर से वही आएगा इसमें, ठीक है ना, सेम सेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा होता है बच्चों हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट्स यहाँ पे हमें निकालने हैं, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड दूसरा जो सेट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, 4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं क्या, तो देखेंगे बच्चों, ठीक है। सो ये वाला सेट है, इसमें 1 2 3 4 है, और इस वाले सेट्स में द नेचुरल नंबर 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा, 4 5 6 रहेगा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है क्या, नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये समझो ए सेट ले लिया हमने, ये समझो बी सेट ले लिया, ठीक है, लेट दिस विल ए सेट एंड दिस इज बी सेट, तो यहाँ पे 4 जो है, 4 इज बिलोंग्स टू ए सेट ऑल्सो, ए एंड बी, 4 इज बिलोंग्स टू बी सेट ऑल्सो, तो 4 जो है वो ए सेट को भी बिलोंग करता है और बी सेट को भी बिलोंग करता है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हो सकते, ठीक है, आर सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन सेम है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ही देखेंगे यहाँ पे, तो उसके साथ आप 9th वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, 9th वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्स दे के रखा है आपको एक्स, सो एक्स इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है ना, और यहाँ पे वाई दिया है, वाई दिया है एफ कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी, ठीक है ना, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमें, एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स माइनस वाई हमें इसमें एक्स माइनस वाई निकालना है, सो एक्स माइनस वाई हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस वाई हम कैसे निकालते हैं, सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू एक्स बट आर नॉट बिलोंग्स टू वाई, ठीक है ना, जो एक्स के बिलोंग में है, तो ए बी, सो इसमें कोई इक्वल है क्या, मतलब यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, बी कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, ये ए जो है, ये ए यहाँ पे है एक्स में है,
पर बी में नहीं है तो ए आएगा, फिर बाद में बी कॉमन है तो बी नहीं आएगा, सी यहाँ पे नहीं है तो सी आएगा, ठीक है, देन डी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना, डी भी कॉमन है तो डी भी नहीं यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, डी भी यहाँ पे नहीं आएगा, सो दिस विल बी एक्स माइनस वाई, दिस विल बी एक्स माइनस वाई, दिस इज एक्स माइनस वाई। सो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई माइनस एक्स निकालना है हमें, वाई माइनस एक्स, सो वाई से एक्स की तरफ जाना है हमें, ठीक है, सो वाई माइनस एक्स क्या आएगा, वाई माइनस एक्स, सो यहाँ पे एफ है, सो एफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो एफ आएगा यहाँ पे, बी कॉमन एलिमेंट से, डी कॉमन एलिमेंट से, तो यहाँ पे सिर्फ एफ एन जी आएगा, ठीक है ना, एफ एन जी, बी डी कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं चलते, जो वाई में एलिमेंट्स है पर एक्स में नहीं है वैसे हमें एलिमेंट्स यहाँ पे लेने हैं, ठीक है, वाई माइनस एक्स। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या रहेगा, तो दोनों के भी सेम एलिमेंट्स बी एंड डी आएंगे, दोनों के सेम एलिमेंट्स बी और डी ही सेम एलिमेंट्स है दोनों के, ठीक है, तो इसमें बी एंड डी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, चलेगा, हमें पता है आर सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है, क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू सेट रैशनल नंबर्स का है, ठीक है, क्यू सेट रैशनल नंबर्स का है, ठीक है, सो देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो बच्चों आर माइनस क्यू क्या होगा सेट, अब देखो रैशनल नंबर्स मतलब पूरे रैशनल नंबर्स आते हैं वहां पे, ठीक है ना, पूरे रैशनल नंबर्स आते हैं, उसमें से कुछ रियल नंबर्स, कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स में से अगर हमने रैशनल नंबर्स को माइनस कर दिया, पूरे जो है ये रियल नंबर्स है, इसमें से अगर हमने रैशनल नंबर्स को माइनस कर दिया तो क्या बचता है यहाँ पे, इरेशनल नंबर्स बचता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचते हैं, इरेशनल नंबर्स बचते हैं, ठीक है, सो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा आपका, आर माइनस क्यू विल बी द सेट ऑफ, विल बी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो यहाँ पे आर माइनस क्यू आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक्स इज इरेशनल नंबर, एक्स इज इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, नहीं तो फिर इसे, ठीक है, ये इरेशनल नंबर का ही सेट हो सकता है, ठीक है, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज बिलोंग्स टू आर, तो एक्स आर से बिलोंग करता है पर रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या होगा फिर, ये सेट इरेशनल नंबर्स का हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये सेट इरेशनल नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, सो 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 12th, ठीक है, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सो ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, सो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 और दूसरा सेट दिया है 3, 6, तो उन्होंने ये दिया है कि आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है क्या बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स है क्या, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स अगर नहीं होगा तो ये डिसजॉइंट सेट्स रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो ये डिसजॉइंट सेट्स रहेगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में भी, सो 3 इज बिलोंग्स टू दिस सेट ऑल्सो एंड 3 इज बिलोंग्स टू दिस सेट ऑल्सो, तो दिस बोथ सेट्स कैन नॉट बी डिसजॉइंट सेट्स, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, फॉल्स हो जाएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन ए ई आई ओ सेम क्वेश्चन है, डिसजॉइंट सेट हो सकता है कि नहीं, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है ना,
और फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 12th क्वेश्चन में है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे बच्चों, ठीक है ना। हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर अप कर दिए ऑपरेशंस ऑफ सेट के ऊपर। मतलब यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हमने कौन से देखे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स देखेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में रुक जाएंगे बच्चों, ठीक है।